अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। पांडा जा रही हो? हाँ। क्या करने जा रही हो? पांडा जा रही है। हाँ। ओके हुरैन, आप कहाँ जा रही हैं? आप भी पांडा जा रही हैं? आप क्या लेने जा रही हैं? चीजी लेने जा रही हैं। ओके जी व्यूवर्स, नूरहूर ने तो आपको बता दिया कि आज हम लोग जो है वो कहाँ जा रहे हैं, पांडा जा रहे हैं, मैं ग्रॉसरी करने जा रही हूँ और नूरहूर जो है वो अपनी चीज़ें लेने जा रही हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मेरे साथ रहिए। हम लोग पांडा पहुंच गए हैं और नूरहूर जो है वो अपने बाबा का हाथ पकड़े आगे आगे भाग रही हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पे आके नूरहूर इसलिए ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि यहाँ से अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग करती हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो है वो यहाँ से ले लेती हैं और बाबा जो है वो इनकी पसंद की सारी चीज़ें इन्हें दिला देते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा खुश हैं आज के ये पांडा में अपनी फेवरेट जो है वो चीज़ें लेने आई हुई हैं। आज बनाना जो है वो ख़त्म हो चुके थे पांडा पे क्योंकि ऑफ़र लगी हुई थी और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे तो बनानास जो थे वो ख़त्म हो गए थे और बाकी फ्रूट्स वगैरह तो थे, हमने वो ख़रीदे। फिर कुछ सब्जियां वगैरह ख़रीदी, घर की थोड़ा जो ग्रॉसरी वगैरह हमने करनी थी वो कर ली, दूध ख़त्म हो रहा था, बच्चों का दूध वगैरह लेना था, सर्फ़ वगैरह ख़त्म हो रहा था, जो जो घर का सामान था, तो मैंने कहा चलें आज जो है वो शॉपिंग कर ली जाए। महीने में एक दो दफ़ा जो है वो हम लोग यहाँ पे आके शॉपिंग कर लेते होते हैं, जो जो ज़रूरी सामान होता है वो ले लिया जाता है, तो आज हसनैन साहब के पास टाइम था तो वो हमें ले आए। और लेकिन काम कर रहे थे, थोड़ा बिज़ी थे तो जल्दी जल्दी में हमें लेके आए कि जल्दी से आप लोगों ने जो जो शॉपिंग करनी है वो करें और चलना है हमें घर, और उन्होंने करना था काम। तो जी हमने कहा चलें हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, हम जल्दी जल्दी से जो जो हमें चीज़ें लेनी होगी मेन मेन हम उसी उसी साइड पे देखे भागते हुए जा रहे हैं और जल्दी जल्दी से हम जो है ग्रॉसरी कर रहे हैं। लेकिन पांडा से वापसी पर याद आए कि कुछ सामान तो रह भी गया था। जैसे ही हम लोग ट्रॉली लेके आते हैं तो नूरहूर की सबसे पहली फरमाइश यही होती है कि उन्होंने ट्रॉली में बैठना है क्योंकि ट्रॉली में बैठकर वो अपनी मर्ज़ी से ऊपर की चीज़ें भी उठा सकती हैं, तो इसलिए वो ट्रॉली में बैठती हैं। तो सो आज भी इन्होंने वैसे ही किया। जी हम लोग दूध की साइड पे आ चुके थे और ऑफ़र लगी हुई थी तो हमने दूध ले लिया बच्चों के लिए क्योंकि रोज़ रोज़ तो बाहर निकला नहीं जाता,
तो हम हफ्ता 10 दिन की ग्रॉसरी जो है या 15 दिन की ग्रॉसरी वो कर लेते होते हैं, ताकि हमें बार बार जो है वो सुपरमार्केट पे ना आना पड़े और घर में जो है वो सारा कुछ पड़ा हो। क्योंकि बाज़ टाइम ऐसे होता है कि हसनैन साहब बिज़ी होते हैं, इतना टाइम नहीं होता इनके पास, तो मैं भी बार बार जो है वो नीचे बकाले तक जाना, बच्चों के साथ निकला भी नहीं जाता ज़्यादा। तो जो भी सामान होता है वो हम लोग ज़्यादातर जो है वो पहले से ही ख़रीद लेते होते हैं, ताकि घर में सुकून और बच्चों की ज़रूरी ज़रूरी सामान जो है वो तो सबसे पहले हमें लेना होता है। आज वैसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर ऑफ़र लगी हुई थी, नगेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, और मुझे शैम्पू वगैरह भी कुछ चाहिए थे, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑफ़र लगी हुई थी हमने। आज वैसे काफ़ी ब्रांड के शैम्पू और कंडीशनर वगैरह पर भी ऑफ़र्स जो है वो लगी हुई थी, तो अच्छा है अगर आप लोग ग्रॉसरी करने का सोच रहे हैं तो आप लोग जाइए हैपर पांडा में चले जाइए, चाहे छोटे पांडा में चले जाइए, वहाँ पर जो है काफ़ी ऑफ़र्स लगी हुई हैं इस हफ्ते में, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो आप लोग वहाँ से ख़रीद सकते हैं जाके। सबसे अच्छी बात कि अब जो है जमजम की बोतलें जो हैं वो मिल जाती हैं पांडा से, जो बहुत ज़्यादा हम लोगों को सहूलत हो गई है। पहले हम लोगों को जमजम का पानी लेने के लिए जो है वो मक्का में जाना पड़ता था, तो कभी टाइम नहीं भी होता था और कभी जो है वो ज़बरदस्ती से जो है वो टाइम निकालना पड़ता था कि पानी जो है वो जमजम का ख़त्म हो रहा है और हमें लेने जाना होता है, और कभी नहीं भी जा पाते थे। तो लेकिन अब जो है इन्होंने ये सहूलत जो दे दी है ना कि हाइपर पांडा वगैरह पे और बड़े बड़े जो सुपर मार्केट्स हैं वहाँ पर जो है जमजम का पानी अवेलेबल है, तो ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और यकीन करें मुझे बड़ी खुशी होती है। तो हम लोगों को पानी जो है वो मिल जाता है अब इजीली जमजम का, और हम लोग ख़रीद लेते हैं। तो जी ये अब हम लोग पहुंच चुके हैं काउंटर पे, और काउंटर वाले अंकल जो है वो जो है कर रहे थे, बिल कर रहे थे, और नूर जो है वो खड़ी वीडियो बना रही थी, और अंकल बोल रहे थे नूर को कि मेरी वीडियो भी आपने बनानी है, तो हमने कहा चलें जी आपकी भी साथ में बना देते हैं।
हम लोगों ने बिल करवा लिया है और नूर उर कह रही हैं कि हमें फिर से जो है वो ट्रॉली में बिठाया जाए, लेकिन अब ट्रॉली में जगह नहीं है। तो हमने कहा कि चलें अब आप खुद ट्रॉली चलाएं। और नूर उर को फिर बड़ा शौक़ होता है कि वो खुद से जो है वो ट्रॉली को घसीटती हुई ले जाती हैं। फाइनली जी नूर उर के बाबा ने जो है नूर को उठा ही लिया और ट्रॉली में बिठा दिया। माशाल्लाह से बहुत खुश हैं आज नूर हूर के, उन्होंने अपनी पसंद की जो है शॉपिंग कर ली है। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। और आप लोगों को कैसी लगी मेरी आज की वीडियो और मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और नूर हूर कैसी लगी आपको आज शरारतें करती हुई और ग्रॉसरी करती हुई, आज ये मैडमें बनी हुई थी दोनों। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा ख्याल। और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।